अग्निहोत्र के बाद जो है शंख नाद करना बहुत अच्छा लगता है, और शंख नाद से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि बहुत फायदा करती है। शंख नाद करने से, शंख बजाने से हार्ट को बहुत बल मिलता है, हार्ट मजबूत होता है, ये साइंटिफिक है, मैंने पढ़ा था। मैं बहुत ज़्यादा ढंग से बता तो नहीं पाऊँगा, लेकिन शंख बजाने से हार्ट मजबूत होता है ऐसा मैंने पढ़ा है। ठीक है, देखता हूँ। प्रयास करता हूँ फिर ये बच जाता है, लेकिन ये मेरे पर डे का है। रोज कम से कम 10 सेकंड तक आपको शंख बजाना चाहिए ऐसा कहा गया है। तो अग्निहोत्र जब टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ, प्लस शंख बजाना। आप भी ये करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और साथ ये जो बाएं तरफ दिया दिख रहा है ये सरसों के तेल का है, दाहिने तरफ जो ये दिया है ये देसी गाय के घी का है। सरसों का तेल का दिया या अलसी के तेल का दिया हमको जलाना चाहिए, साथ में साल भर देसी गाय के घी का दीपक। ये अग्निहोत्रम है, और अग्निहोत्रम देसी गाय के कंडा, देसी गाय का घी और अक्षत मतलब चावल इससे किया जाता है। इसमें सुबह का मंत्र है, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, एक आहुति प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः, दूसरी आहुति। और शाम का मंत्र है, आग्नेय स्वाहा आग्नेय इदम नमः, पहली आहुति, और प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, ये दूसरी आहुति। इस प्रकार ये अग्निहोत्रम किया जाता है। इसको सही सनसेट सनराइज अग्निहोत्र बड़ा करके एक ऐप है, उससे आप निकाल लें आपके घर का या जगह का या खेत का, उससे आप जो है अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए। कहते हैं कि अग्निहोत्र करने से जो है पर्यावरण शुद्ध होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और एक अलग टाइप की ऊर्जा आप तक को मिलती है। यहाँ अग्निहोत्र जब यह अग्नि जब तक ठंडी नहीं होगी तो मैं इसके सामने बैठता हूँ तो एक अलग टाइप की ऊर्जा का आभास होता है। हल्का सा प्राणायाम कर लेता हूँ और मुझे तो ऊर्जा का आभास होता है। आपको करना है तो आप भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।